मोहन बनाते हैं? मोहनता और बनाना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह से बेसन के लड्डू बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, इसी इंग्रेडिएंट से बनेंगे हमारे मोहनता। आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, उसी तरह से बनाइए तो आपका भी मोहनता एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई आपको मुश्किल नहीं आए। तो चलो हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। लेते हैं पहले एक कप हम बेसन लेंगे। इसी मेजरमेंट से मैं लूंगी और एक कप बेसन, मतलब मिला के हो गया हमारा 2 कप। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप ना हो तो आप नॉर्मल कटोरी से ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इस टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून घी। घी को मैंने थोड़ा सा पिघाल के ले लिया है मतलब, और ये 2 हो गया और इसी के साथ हम डाल देते 3। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग स्पून ना हो तो आप इस नॉर्मल चम्मच से भी डाल सकते हैं। आप इस जगह पर 8, 9 या 10 चम्मच ले लीजिए। और इसी के साथ हमें लगेगा दूध। दूध देखिए 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून और इसी के साथ लगेगा 3 टेबलस्पून। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको इसे इस तरह से अच्छी तरह से मसलना है, या तो दोनों हाथ का इस्तेमाल कीजिए, दोनों हाथ से इसे इस तरह से रब करके मिक्स कीजिए, क्योंकि हमें मोहनथाल में दानेदार मोहनथाल चाहिए। तो इसके लिए ये प्रोसीजर तो आपको करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे कर लेते हैं। अब देखेंगे तो ये देखिए किस तरह से हमारा बेसन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। अब इसे हम छान लेते हैं। ये मेरा बेसन काफी अच्छी तरह से छाना गया। मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लिया क्योंकि वो बाउल काफी छोटा था। और एक मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी बेसन पूरा छानने के बाद थोड़ा सा रह जाता है, इससे भी ज्यादा भी रह जाता है, तब आप अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इसे एक मिक्सी जार में थोड़ा सा ग्राइंड मार लीजिए और उसके बाद छान लीजिए। वैसे तो ये मेरा हो गया। अब हम दूसरा प्रोसीजर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिए और इसके अंदर मैं ले रही हूँ देसी घी, वो है 150 ml। और इस मेजरिंग कप से देखने जाएंगे तो ये 1/4 मेजरिंग कप है, तो इससे मैंने लिए 3 कप। तो अब हमें इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अंदर डालेंगे बेसन। और इसे अब हमें इस तरह से मिक्स करना है। आपको अब इसे इसी तरह से हिलाते रहना है, जिस तरह से बेसन की बर्फी या तो लड्डू जिस तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए हमें बेसन भूनना होता है, यही प्रोसेस हमें करना है। और बेसन जितना आप अच्छे से भूनोगे उतना ही हमारी बर्फी या जैसे कि मोहनथाल काफी अच्छा बनेगा। बेसन जब कभी भी आप इस तरह से हिलाते हो ना, तो पहले तो हमारे हाथ पर काफी जोर आने लग जाता है, और जैसे जैसे ये बेसन भूनता जाएगा उसकी खुशबू आने लग जाएगी, तभी ये अपने आप हल्का हो जाएगा। इसे इस तरह से भूनते रहिए। अभी भूनते भूनते मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए। अब हमारा बेसन देखिए इस तरह से थोड़ा सा घी निकलने लगा है। तो वैसे हमें करना है, आप ध्यान से देखिए ये बेसन किस तरह से हो रहा है, आगे चल के भी देखिए कि आगे किस तरह से बेसन होने वाला है। अब खुद ही देख लीजिए बेसन का कलर काफी चेंज भी हो चुका है, और भूनने की तो खुशबू बेसन की पूरी किचन में फैल गई है, और ये हमारा बेसन काफी हल्का भी हो गया, वेट से कम हो गया, और साइड से हमें ये झाग जैसे नजर आ रहा है। तो अब हम इस स्टेज पर डाल देते हैं दूध। यहाँ पर जो हमने 1/2 कप दूध ले लिया था ये इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, और वापस थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए, अब देखिए
एकदम टेक्सचर चेंज हो गया। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसे ज़्यादा नहीं करना है, अभी हमें बस 2-3 मिनट के लिए हमें इसे मिक्स करना है। ये हो गया। अब इसे हम, मैंने इसे भी से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से मिक्स कर दिया है। हमारा टेक्सचर भी चेंज हो गया है, हमारा बराबर बेसन काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम चाशनी बनाएंगे। अब हमें चाशनी बनानी है, तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 कप शक्कर। जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हम लेंगे शक्कर। और अब लेते हैं इसके अंदर पानी, ये है 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम। तो ये इसके अंदर डाल देते हैं और इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब इसके अंदर डालते हैं हम इलायची पाउडर और इसी के साथ मैं डालूंगी ये फूड कलर। मैंने थोड़ा सा ही ले लिया है फूड कलर, अगर आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो। हमें इसे अब इस तरह से मिक्स करके एक तार की चाशनी बनानी है। मैं इसे थोड़ी देर और उबालूंगी। अब देखिए हमारी चाशनी ऑलमोस्ट हो गई है। जैसे गुलाब जामुन होता है उससे थोड़ी सी हमें इससे ज़्यादा करना है, मतलब एक तार की बनानी, थोड़ी सी चिपचिपी सी। मैं इसके अंदर थोड़ी सी लेके देख लेती हूँ उसे। अब देखते हैं, ये देखिए इसका मतलब ये चिपचिपी सी हो गई है। तो हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर हम ये चाशनी डाल देंगे। इसमें हमने चाशनी डाल दी। अब बस करना क्या है, बस इसे इस तरह से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम लगा दीजिए और पानी सूखने तक हमें इस बेसन को मिक्स करना है। जैसे हमने इसके अंदर चाशनी डाल दी तो हमारा जो बेसन है अब फूलने लगेगा। तो अभी हमें इसे ज़्यादा वक्त नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा गैस की फ्लेम बढ़ा देती हूँ मैं और कर लेते हैं इसे। इसके अंदर जो हमने चाशनी डाली थी वो इसके अंदर सूखने लगी है। अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप इसे चाहिए तो इस तरह से भी खा सकते हैं, पर हमें तो मोहन थाल बनाना है। तो हम इसे, मैंने एक ट्रे को सेट करके रख दिया है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं अब इसे। ये बस हो गया। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा ये रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा दी है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये मोहन थाल का बैटर इस तरह से और इसे हम सेट कर देंगे। इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगा देते हैं इस तरह से और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से पिस्ता और इसे हमें ठंडा करना है। चाहिए तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या तो 4-5 घंटे के लिए इसे काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा होने दो, तो ही ये मोहन थाल सेट होगा। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया पिस्ता। आपके पास ट्रे नहीं हो तो आप इसके अंदर थाली में भी उसको लगा सकते हो, मोहन थाल को सेट कर सकते हो। मैंने इसके अंदर डाल दिया इसे, मेरे पास ये कंटेनर था तो देखिए ये ऐसे मैंने थोड़ा सा इसे दबा दिया। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। ये हमारा मोहन थाल सेट हो चुका है, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से जम गया है और मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। अब इसे हम इस पर रख देते हैं और इसे निकाल देते हैं और ये इतना अच्छा जम गया है कि इसके पीसेस अच्छी तरह से कटे जाएंगे। तो मैं इसके जो साइड के जो है इसे निकाल देती हूँ, इसे निकाल देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप नाइफ एक शार्प ले लीजिए तो उससे आपको कटिंग करने बहुत अच्छी होगी। अब मैं इसे पीसेस में काट लेती हूँ, देखिए
इस तरह से नाइफ अच्छी तरह से जानी चाहिए। अब मैं आपको एक पीसेस ये देखिए काफी अच्छा बना हुआ है हमारा और काफी सुंदर लग रहा है। ये देखिए जाली जैसे बन गई यहाँ पर। ये देखिए हमारा मोहनताल काफी अच्छा बना हुआ है और इसे मैं अब इस प्लेट में भी रख के बता देती हूँ। सभी जगह से काफी अच्छा बना हुआ है। और ये रेसिपी आपको मेरी कैसे लगी? अच्छी लगी है ना? तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।